एबीपीएस न्यूज़। एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद अमरोहा के ब्लॉक गजरोला में स्थित बजीरपुर उर्फ आगापुर गांव पड़ा। वर्तमान में गांव के विकास के लिए ग्रामवासियों ने कृष्ण राज सिंह को प्रधान के रूप में चुना है। लगभग 1200 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 15 किलोमीटर ही है। लगभग 1050 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 600 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी पाठशाला में लगभग 40 बच्चे अध्ययनरत हैं। गांव में पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 40 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 18 नल रिवॉर कराए गए हैं। इसी के साथ बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 110 विद्युत पोल, 15 ट्रांसफार्मर व सोलर लाइट भी लगी हुई हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाली व आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण भी कराया गया है। इसी के साथ ही वर्तमान प्रधान के देखरेख में गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घर का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, पंचायत घर, स्वास्थ्य केंद्र, प्राइमरी स्कूल की बाउंड्री, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घर, सीसी टाइल्स रोड व खडंजे के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान कृष्ण सिंह, ग्राम पंचायत वजीरपुर फागापुर, जिला समस्या है। जब से सरकार बनी है, पिछली सरकार के मुकाबले बहुत कम पैसा आ रहा है। जो जनता से हमने वादे किए थे उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और स्कूल की, हमारे यहाँ स्कूल की, प्राइमरी की हालत बहुत खस्ता है। ना सरकारी अस्पताल है, ना ग्राम पंचायत घर है। सरकार से गुजारिश करता हूँ कि इसके लिए हमें अनुदान दिया जाए।